नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, समाज, जीवन के प्राचीन गौरव, समृद्ध विरासत को चित्रित करती है और इसी को समर्पित है। यह संग्रहालय शहर के केंद्र में स्थित है और इसका प्रवेश द्वार हस्तनिर्मित तोरण और मालाओं से सजाया गया है। इस संग्रहालय के आंगन में एक आदिवासी मॉडल को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। आपको यह पुतला वास्तव सा प्रतीक होगा जब तक कि आप उसे स्वयं छू ना लें। छूने के बाद ही पता चलता है कि यह एक स्टैचू है। इस संग्रहालय के प्रदर्शनी कमरे में प्रवेश करने से पहले जूते उतारने होते हैं, जो कि आदिवासी जनजीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रदर्शनी में आदिवासी पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले विदेशी गहने, उनकी दैनिक गतिविधियों के सामान, घरेलू सामान, बर्तन, मछली पकड़ने की छड़, कृषि और शिकार के उपकरण और संगीत वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया जाता है। इस संग्रहालय की दीवारें खंजर, भालू, धनुष, तीर, एक पुरानी शैली वाली बंदूक, रिसाला, ढाले और शादियों में इस्तेमाल होने वाले विशेष सामान, आदिवासियों की संस्कृति और सामाजिक कार्यक्रमों की तस्वीरें का भी प्रदर्शन किया गया है। यहाँ जनजातीय नृत्य की भी तस्वीरें हैं, जैसे दुबला जनजाति के द्वारा किया जाने वाला घेरिया नृत्य, कोंकण नृत्य जिसमें मास्क पहना जाता है, ढोल डांसर और अद्भुत पिरामिड नृत्य जिसे तो डांसर कहते हैं। तो ये थी यहाँ की मुख्य विशेषताएं। आइए अब चलते हैं हमारे संवाददाता हेमंत मिश्रा के साथ म्यूजियम में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वापी, दमन व सिलवासा की खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा कि किस तरह से
लगातार जो दादरा नगर हवेली की जो संस्कृति रही है, जो आदिवासियों की संस्कृति रही है, यहाँ के स्थानिक लोगों की संस्कृति रही है, उसका हूबहू एक जीवित उदाहरण आप बोल सकते हैं। क्योंकि जहां पर भी आप जाएंगे, वो जब आप नजर दौड़ाएंगे उसकी एक एक चीज जब आप देखेंगे उसको बारीकी से, तो लगेगा वाकई वो रियल है। लेकिन हमारी दूसरी तरफ अगर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से ये फोटोज में आपको दिखाई दे रही है, ये पुरुष और ये महिला का जो भी हूबहू पहनावा है, वो बाकायदा यहाँ पर एक एक चीज वैसे ही रखी गई है सजोकर, जो यहाँ की संस्कृति का एक हूबहू उदाहरण है। इसे देखने के लिए दादरा नगर हवेली में सिलवासा से दूरों से लोग, मीलों दूर से लोग, जिस तरह से मुंबई हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, तमाम जगहों से, महाराष्ट्र और गुजरात से भारी संख्या में लोग यहाँ पर लगातार आते हैं। लेकिन इस दौरान, इस वक्त कोरोना काल चल रहा है और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना के वजह से इस वक्त ये चीजें जो है वो बंद रखी गई है। हालांकि इसे परमिशन दे दिया गया कुछ दिनों पहले चालू करने का, लेकिन जो लोग हैं इस कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकल रहे। हालांकि हमारा चैनल भी आपसे यह आग्रह करता है कि जब तक कोरोना काल पूरी तरह से काबू में ना आ जाए, आप घर से बाहर तभी निकले जब आपको किसी खास जगह पर जाने की खास आवश्यकता हो। अगर आपको जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले, और साथ ही अगर घर से आप बाहर निकलते हैं और कहीं ऐसे जगह पर जाते हैं जहां काफी सारे लोग मौजूद हो, तो कृपया करके उन जगहों पर मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की जो दूरी है उसका भी पालन करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइव, सिलवासा।